वेलकम बैक टू रंद्र ब्लॉग। तो भाई क्या हाल है भाई, सभी की उम्मीद करता हूँ भाई सारी बढ़िया। उम्र बात करिया और भाई आज जा रहा हूँ खाटू शाम और बस कपड़े की पैकिंग वगैरह हो चुकी है और खाटू शाम का टाइम निकल रहा है। गुड्डू आ गया, वो देख उसने देख कैसे सच के जा रहा है। परेशान हो जाऊंगा, आ जा बताऊंगा क्यों। और ये भाई हमारे भाई से मिलो, छोटा भाई मेरा बारून। मुँह से बोलना, हाथ हिला के क्या होता है। क्या बोला? हेलो। हाँ भाई मेरे कपड़े पैक हो चुके हैं, देखो यो मेरा बैग रहा, इनमें मैंने कपड़े धर लिए अपने। वीरेन और आओगे, वीरेन आते गल करते, बस वीरेन द्वारा फ़ोन करता हूँ, उसके बाद निकलेंगे अपने सीधा श्याम बाबा की ताई। आज जा रहा हूँ और परसों आऊँगा, आज 21 तारीख और आऊँगा मैं अपने 23 तारीख में। हाँ अरे मेरे तेन बता, इतना सच कह के जा रहा है भाई, चल रहे श्याम बाबा लिए। हाँ तो वो पजामा पजामा पहले गाड़ी में, परेशान हो जाओगा। ठीक है भाई, चल निकल रहे भाई, एक बार वीरेन द्वारा फ़ोन कर लूँ और फिर उसके बाद निकलते अपना आगे। वीरेन के पास फोन करता हूँ फिर निकलते हैं। लिए भाई वो वीरेन बैठा, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। तो भाई हम निकल लिए, जा रहे हैं एक बार, बस दो मिनट की बात है। अब फिर सबसे तो पहले तो टैंक फुल कराऊँगा भाई, उसके बाद आगे जाऊँ। पहले तो भाई गोलघाट हटा हुआ इको वाला, फिर उसके बाद निकलते। सबसे पहले टैंक फुल कराते, देखते कितने का होगा और फिर अपना आगे घाट देखते कि है कि ना। वो भी मेरा एक और बंदा ऐड हो जाओ हमारी यार, तो होगा तो मैं बता दूँगा। बाकी निकलते हैं, सबसे पहले टैंक फुल कराते हैं। आगे भाई पंप है, टैंक फुल करा रहा हूँ और देखो दिखाता हूँ ये थोड़ा मेरा। ये तक तो 500 रुपये का बिना आया, आ जाओ जाकर मेरा आइडिया 350 का 3,700 का भी आ सकता है, लेकिन आज 400 नीचे नीचे रहो। फिर उसके बाद निकलते आगे। यो मेरा फास्ट टैग रहा और फिर बाकी सारी चीज़ ओके है, निकलते फिर आगे। ये देखो ये उठ गई सूई, ये जाली हाथ थी, जान न हो रही है। और आ कितने का लिया, कितने का लिया? 1500 का लिया। हाँ मैंने बताई थी 3-3.5 किलोमीटर में आ जाओ यार। तो बाकी देखो भाई टैंक फुल करा गया है और पानी वगैरह ली थी बोतल, एक दो बोतल पानी की। और अब पहुँच गए हम नजफगढ़। यो नजफगढ़ में तो जाम रह गया, ये देख लो नजफगढ़ का जाम। नजफगढ़ में खड़े हैं और देखो किस टाइम तक पहुँचेंगे हम। रात ही होगी, पहुँचते पहुँचते 11 बज जाऊँगा, 9-10 बज जाऊँगे जाऊंगे भाई। निकल लिए एक बार आगे, फिर चढ़ के फिर तो इतना टाइम लगे, फिर तो टापू टाप जाऊंगे। 12 बजे है ना, 12 बजे निकले थे ना, 2 बजे दिल्ली में जाम इतना रह गया भाई कि बताओ था से। जो दिल्ली का ना है वो आके देखो एक बार, आ मत जाइए गलती तो भूल गई भाई। गुड़गांव पार कर चुके हैं लगभग, खेड़की टोल टैक्स पर पहुंचने वाले हैं। खेड़की दोला टूल टैक्स पर पहुँच गए, उसके बाद रुकेंगे पचगांव, फिर जाऊंगे आगे। और देखो अपने पहुँच जाऊंगे रात में 8-9 बजे लग। बढ़िया मौसम हो रहा है, बढ़िया सब कुछ। और पचगांव रुक जाऊंगे जाकर, आधे घंटे पहुँच जाओ पचगांव पहुँच जाऊंगा, फिर रुक जाऊंगे आगे जाके, फिर वहाँ दिखाता हूँ। अब तक गाँव आ लिए थे भाई, पचगांव रुके आगे, मैं कुछ खान पीन के टाइम रुके, उसके बाद चले गए आगे। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत तगड़ा रहेगा इस हमारी दुकान में तो मेन तो। और बाकी सारी चीज़ें एडिडास का शोरूम भी है, स्टारबक्स भी है, इस तरफ होकर गो कार्टिंग और शाम वो अपना बढ़िया पूरा पचगांव का रेस्टोरेंट है, दिखाता हूँ मैं। देखियो यो वीरेन भैया, और वीरेन भाई बढ़िया भाई। यो देखो ये स्टारबक्स और एडिडास का शोरूम, यहाँ गो कार्टिंग वगैरह और वो सामी रेस्टोरेंट है। यहाँ देखिए यहाँ मिला था वो हमने, इसमें है ना बढ़िया बढ़िया होगा यार, गो कार्टिंग बढ़िया है। तो देखो अभी जाके खा पी गया, फिर निकलते भाई हम रात में पहुंच जाऊंगे। मेरे दिन पहुंच जाऊंगा 8-9 बजे लग, तुम 8-9 बजे लग पहुंच जाऊंगा भाई, इसके बाद आके चलते हैं। पूरा परसों तक का प्रोग्राम है, बढ़िया मजे मजे काट के जाऊंगे भाई रेस्टोरेंट के अंदर। ये देखो टॉप क्लास रेस्टोरेंट बना रखा है, कुछ भी ले, कुछ भी मतलब वेज, लेकिन प्योर वेज वो मिलेगा।
बाकी और बता नहीं सकता मैं, खा के फिर बताऊंगे कैसा क्या है। जब तक भाई पहले मैं फ्रेश वगैरह हो लूँ, उसके बाद देखते हैं भाई। ये देखो ये डोसा साउथ इंडियन, ये पंजाबी, ये बॉम्बे पाव भाजी, बहुत सारी चीज़ें वैसे तो यहाँ का मेन्यू। और ये मेन्यू है भैंड, पूरी किताब ले रखी है मेन्यू के नाम पे यार। जो भाई मंगा लो जो खाना है, फिर उसके बाद निकलेंगे। ओए बिहारी, ओए भाई, निकल चुके हैं पचगांव से, पराम ठिकाए थे और जा रहे सीधा बब्बा पर जाकर रुकेंगे। और मेरे साथ तो बीच में रुके ना, हाँ कहीं बाथरूम वाथरूम करने के, भाई दूसरी बात है रुके तो, वरना ना रुके, चलने लग रहे हैं हम। 9-10 बजे लग पहुँच जाऊँगे जाके, और फिर जाके रेस्ट करके फिर सो जाऊँगे अपने, कल सुबह देखेंगे, फिर कल सुबह दर्शन करेंगे। हम पहुँचने वाले भाई नीमराना, और 10 किलोमीटर रहेगा सारा यहाँ तक। 10 किलोमीटर बाद नीमराना, उसके बाद सीधा कोटपुतली, कोटपुतली तक पहुँच जाऊँगा मैं बाबा शाम पर सीधा। फिर 6 बज रहे लमसम 9 बजे लग पहुँच तो जाने चाहिए। बाकी देखो अभी, बाकी भाई पीछे बैठे हैं उनसे बात कर लो, फिर इन मैं गाड़ी चलाता रहूँगा और वो बनाते रहूँगा भाई। यो भाई नीमराना का आ गया अपना टोल प्लाजा, और वो पीछे टर टर करने लग रहा मेंढक। बिहारी मेंढक भी रह गया ऐसे हैं। ये देखो ये रहा टोल पर पहुँच गया भाई। कैमरा शीशा साफ ना, मेरा कैमरा तो साफ है, जब ये ऐसा हो रहा है। चलो भाई देखे कौन सा खाली है, ये खाली है ना, इस पर जान दूं। भाई हम पहुंच लिए, चौमू पार कर लिया हमने, और टाइम अपना 8:30 हो रहे हैं। 9 बजे लग हम पहुंच जाऊंगे, जैसा कि मैंने बताई थी, लास्ट है लास्ट 9 बजे तक हम पहुंच जाऊंगे। आधे घंटे का रास्ता रहेगा हमारा। देखो बाकी बढ़िया सफ़र कटा है, ना बोर हो या कुछ ना, बढ़िया टाइम पास हुआ है, बढ़िया अपना हंसी मजाक करते उड़ाए हैं। बाकी पहुँच के देखते हैं कहाँ रुकेंगे, किस में रुकूँगा, तो बाकी मैं सारा सब कुछ दिखाता रहूँगा सर ते, कि कौन से होटल में रुकूँगा या धर्मशाला में रुकूँगा, क्योंकि कल मैंने फिर सुबह निकलना है एक बार दोबारा बाबा के दर्शन कर। दिखा दूँ जो भी है जैसे भी है, फिर बताता रहूँगा मैं सर ते। भाई हम पहुँच लिए रिंगस, और रिंगस तो बाबा का द्वार रह जाता है, लास्ट मार गया 14 किलोमीटर। टाइम अपना 9 बजे लिए है, मैंने बताया कि 9 बजे लगी पहुँचेंगे, और हम 10 मिनट मान लो, ज़्यादा ज़्यादा 15 मान लो पहुँच जाऊँगे हम। जाके फिर लेते भाई अपना होटल, फ्रेश वगैरह होते, उसके बाद अभी दर्शन करेंगे अगर खुले हुए तो, पहले दर्शन करेंगे उसके बाद आगे कुछ खाऊँगे पीऊँगे, फिर सो जाऊँगे, फिर सुबह दोबारा दर्शन करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा देखते हैं कहीं घूमने का प्लान बना तो, वरना भाई अपने दोबारा दर्शन करेंगे सांझ में, फिर उसके बाद अपने परसों निकलेंगे। रिंगस पहुंच चुके हैं लेकिन भाई, और दिखा दूंगा भाई किस में रुकेंगे, और नाम भी बता दूंगा कभी तुम ना आना हो, और सही लगा तो रेट तो आ जाइए भाई। भाई पहुँच लिया हूँ बाबा के द्वार पर, कतिया भी पहुँचा हूँ, और शाम ही तोरन द्वार है, मतलब यहाँ तक दिखेगा नहीं, थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। और मैं अभी धर्मशाला में रुका हूँ भाई, धर्मशाला में इसलिए रुका हूँ क्योंकि भाई कल सुबह का कुछ प्लान बन सके, तो मैं धर्मशाला में रुक जाऊँ। योरी यही शाम ही याद दो धर्मशाला, ये देखो योरी और वीरेनर बैग तारने लग रहे हैं। वेरे चले भाई, बैग तार लिए इन्हें और हम चला भी अंदर, और देखे रूम जाके भाई मस्त नज़ारे बाहर के देखो। आहा आन के बाद तो अलग ही फील आ जाओ यहाँ, देखो वो रहा भाई मंदिर, देखो
हमारे बाबा का। चलो अब चलकर रूम लेते हैं, रेस्ट करेंगे, रेस्ट ना फ्रेश वगैरह होगा, दर्शन करेंगे, पहले पूछेंगे इस टाइम मिल जाओगे ना मिलेगा बाबा के द्वार खुले, फिर देखते हैं उसके बाद। भाई ये देखो ये रूम है, आता धर्मशाला में बढ़िया रूम है, मकान मिला 700 रुपये में कमरा मिला जिसमें दो गद्दे गिरते हैं, रूम देखो कितना बड़ा है, एक रात की बात तुम्हारे हिसाब से बढ़िया है, देखो कितना बड़ा है, जो बाथरूम होगा भाई होटल से कम ना मेरे हिसाब से, क्यों कम आप होटल में पैसे दे के रहो, मेरे हिसाब से एंड रूम है, बाकी भी जो बताओ वो है आगे। भाई खाना खान यार, खाना खा के फिर ऊपर जाके सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, फिर करेंगे बढ़िया अपना फन मौज मस्ती, अपने पहले दर्शन करेंगे उसके बाद अपने मौज मस्ती करेंगे, और बाकी ये देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी यहीं से अंदर धर्मशाला के, और ये बोल रहा अब अपने रोटी खा के फिर जाकर अपने सो जाऊँगे। भाई खा पी लिया था, खा पी के बस थोड़े से टैलन आए थे, बत्तख भाई देखो बत्तख दिखाता हूँ, बत्तख देखो सब सबसे पहली ये देखो गुड़ तना बेन की गाल छोड़ दे, मैं छोड़ दे भाई रुक जाए यहीं बन जा बत्तख, बत्तख की पोजीशन तो ले ले पहली, चले भाई चलो। आगे चलोगे वापस चलोगे, चलो आओ भाई चले आगे तक, चलो घूम कर आ रहे हैं भाई, फिर उसके बाद जाके सोएंगे सुबह दर्शन करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई उठ चुके हैं हम, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं श्याम बाबा के मंदिर में, मैं रात में लेट हो गया था तो उस टाइम पर मैं थक गया था ज़्यादा, तो आगे लोग कंटिन्यू नहीं कर पाया था, करूँगा जो भी सभी दिखाता रहूँ, मुझे गर्म लग रहा है, सीधा भगवान मंदिर में जाऊँगे, 5 बजे 5:30 तक रात हो जाऊँगे, पर हम जब तक ही पहुँचेंगे ठीक है, और पहुँच कर दर्शन कर लेते हैं फिर निकलेंगे आऊँगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे उसके बाद निकलेंगे, बाकी भाई अभी तो कोई भी ना उठा मेरे सामने, तो बस हम उठे और हम जान लग रहे हैं, चलो हम निकलते हैं भाई और दिखा भी देंगे हम अब, ये देखते दिवालिया में रिसेप्शन पर भाई साहब, मैं ना भी लिया सुबह उठकर हम सारे देख लेते हैं, जल्दी 4 बजे उठ गए थे हम, गाड़ी निकाल लो भाई और फिर चलते सीधा पापा के मंदिर में, प्रसाद वरसाद ले होंगे फिर लिखेंगे आगे भाई, ये बड़ी अपनी गाड़ी अनलॉक हो भाई, और बोल दो भाई जय श्री श्याम एक बार, और लिखे फिर आगे भाई, ये पकड़ा फोन चलो भाई, यार मेरा गला ना ज्यादा खराब हो रहा है तो उस वजह से आवाज भी थोड़ी मेरी ऐसी हो रही है, तो प्लीज उस बात में थोड़ा सा इग्नोर करियो, बाकी कोई ना निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं बाबा के द्वार पे, मैं आया हूँ कम से कम 3-4 महीने बाद ही आया हूँ मैं, और देखो भाई बाबा का बुला होगा अगली बार, चलो भाई चलें, ये देख पैंच चौकीदार गेट पे, ये हमारा चौकीदार है गेट पे खड़ा है ये चौकीदार, चलो आओ भाई निकल लिया भाई, टाइम हो रहा अपना भाई 5:05 और हम पहुंच गए, और ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट में तोरण द्वार पर, यहाँ तो इतनी दूरी है 1.5 किलोमीटर दूर है बस,
और पहुँच गए एक मिनट में, दो मिनट में, जब भी ऐसे भी सीधा तोरण द्वार पे। ये जो होटल है जिसमें हम पहली रहे थे मेरे साथ, तो नहीं वो नहीं है भाई, वो आ गया वो। ये देख लो अंधेरा गुप्त हो रहा और 5:02 हो रहे हैं अभी। चलो भाई इसी तोरण द्वार में मिलते हैं। देखो भाई वो आगे तोरण द्वार, यहीं आते से मैं जूम करके दिखाऊंगा, दिख जाना चाहिए वो सामने। देखो और पहुँच के तोरण द्वार पे और गाड़ी खड़ी करेंगे, जो आठ देखो आगे पार्किंग में खड़ी करते हैं गाड़ी ने, तो किस टाइम भीड़ वगैरह तो रहना है तो कोई दिक्कत ना होगी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके फिर निकलेंगे आगे। बढ़िया चलो भाई ये वाली है भाई तोरण द्वार पे। आते टाइम ही अभी अभी खींच लें, आते टाइम तो यार फिर कौन आते टाइम। ये देखो भाई कति तोरण द्वार पे पहुंच चुके हैं, पापा के गाड़ी लगा देता हूँ पहले यहीं। अरे नहीं चाहिए भाई, भाई यहाँ सारे रूम की बात पूछ रहे हैं कि रूम चाहिए ना चाहिए। ये देखो तोरण द्वार पड़ गए पापा के मंदिर के अंदर, बस अब पार्किंग खड़े कर देंगे गाड़ी ने। देखो जब तक गाड़ी जाओगे अपने लेके जाऊंगे भाई। इस तरफ पार्किंग है ना भाई, यो बढ़ ली अंदर, ये जा ली अंदर। और मैंने कह रहा भीड़ कती भी नहीं है यार, ये देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है भाई, क्या प्यारे दर्शन होंगे आज हमारे भाई। ये देखो प्रसाद वगैरह लेंगे आते टाइम भाई, ले रहे भाई अब पेड़ लेके। ये देखो ये आगा बाबा का मंदिर सामने, बाबा के द्वार की एंट्री शुरू हो जाता है। ये देखो ये ऊपर भाई जय श्री श्याम बोल दो, पटली अंदर ये आ लिए। सर हाँ क्योंकि वो हाथ ना जा सकते ना भाई, आ जाओ चल भाई बोल दो जय श्री श्याम एक बार भाई। आ लिए भाई लग ली लाइन में, भीड़ ना भी देख, हाँ थोड़ी थोड़ी है इतनी ना यार। ओए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय 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 श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। मैं सिर्फ
दर्शन करके और ही वो अपने जाके वो धर्मशाला में अपने उठाओगे बैग वगैरह। हमने भाई 6 बज लिए और कति प्यार इतने आराम तुम्हारे दर्शन होए, तुमने व्लॉग में देख भी लिया होगा। बाकी भाई वक्त थोड़ा द्वार पे जाऊँगे, वहाँ फोटो वगैरह लेंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा जयपुर की तरह। जयपुर जा रहे भाई और जयपुर में जाकर रुकेंगे। बाकी भाई थार तो मैं व्लॉग में दिखाते रहूँगा। देख लो भाई तोरण द्वार पे खड़े हैं और तोरण द्वार पे तो जा रहे हैं वापिस अपने। और एक बार बोल दो भाई जय श्री श्याम। निकल लिया भाई, ये देखो चले भाई चले। लो भाई निकल लिए बाबा पहले तो धर्मशाला में, तो अपने सामान वामान ठा के सब कुछ कुछ बुल्ले तो ना है ना भाई। तो बस जा रहे सीधा जयपुर, जयपुर गाड़ी लगेगी वहाँ जाकर जयपुर में घूम के बड़ी एंजॉय करके फिर कल निकलेंगे अपने घर की तरफ। आज देखते हैं आज क्या क्या करेंगे, सारी सब कुछ दिखा दूंगा। बाकी इस वाले ब्लॉग में करवा ये एंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में भाई जो अगला पार्ट होगा तो उसमें मिलते हैं। इस वाले ब्लॉग में करता हूँ एंड। और ये देखो भाई एक बार इस तरफ ये देखो, और वो था एयरप्लेन, मतलब एयरप्लेन रेस्टोरेंट था, यहाँ भी होगा वो एयरप्लेन रेस्टोरेंट बताओ। तो भाई चलते ही। और बाकी भाई मेरी लास्ट वीडियो किसने देखी है वो हॉरर वाली, कमेंट करियो भाई इस वीडियो पर अगर अच्छी लगी हो तो। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा ज़्यादा जाके देखो और शेयर करो दबा के। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।